न्यूज पर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। सीबीआई का डंडा ईडी के एक अधिकारी पर चला है, जहां लाखों की रिश्वतखोरी मामले पर सीबीआई ने एक ईडी के अधिकारी को अपने गिरफ्त में लिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सहायक निदेशक को दिल्ली में गिरफ्तार किया है। मुंबई के एक जौहरी से जुड़े रिश्वत मामले में ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि सीबीआई के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है, वहीं अधिकारी की पहचान संदीप सिंह यादव के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि उसे दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आगे बताया कि उसे एक जौहरी से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सीबीआई के अनुसार ईडी ने जौहरी के परिसरों में 3 और 4 अगस्त को तलाशी ली थी, जिसके बाद सहायक निदेशक संदीप सिंह यादव ने जौहरी के बेटे को 25 लाख रुपए न देने पर गिरफ्त करने की धमकी दी थी। बाद में रकम घटाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। पिछले साल मई में संदीप सिंह यादव ईडी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के तहत काम करने वाले 30 अधिकारियों में शामिल थे, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति ने निदेशालय में प्रवर्तन के सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त किया था। पिछले महीने सीबीआई ने रिश्वतखोरी के 2 अलग-अलग मामलों में दिल्ली पुलिस के 1 सब इंस्पेक्टर एसआई और 2 हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया था। सब इंस्पेक्टर हौस खास थाने में तैनात था। वहीं पहले मामले में आरोपी एसआई को लगभग 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। वहीं दूसरे मामले में दोनों हेड कांस्टेबल को 50,000 रुपए की रिश्वत के हिस्से के रूप में 10,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया था। तो देखिए, मामला दिल्ली के लाजपत नगर से सामने आई है, जहां पर सीबीआई के पास एक कारोबारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ईडी के अधिकारी रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद सीबीआई ने जांच की ओर फिर एक जाल बिछाकर घूस के पैसे के साथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अधिकारी संदीप यादव सहायक निदेशक के पद पर है और अपने पद का दुरुपयोग कर 20 लाख रुपए की घूस ले रहे थे। वहीं सीबीआई ने गिरफ्तार करने के बाद ईडी अधिकारी संदीप से पूछताछ की। कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश लगातार सीबीआई कर रही है। वहीं घूस का पैसा किसके पास पहुंचता था, पूरा मामला क्या था जिसमें घूस की मांग की गई, सवाल का जवाब तलाशने के बाद ईडी के अधिकारी को सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी। तो देखिए, सीबीआई का डंडा लगातार रिश्वतखोर अधिकारियों पर चल रहा है, और इसी कड़ी में ईडी के एक अधिकारी को भी सीबीआई ने अपने गिरफ्त में लिया है। इस अधिकारी के बारे में जानकारी दी गई कि इन्हें रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद सीबीआई ने अपनी कार्रवाई की और इसके साथ इस अधिकारी को अपने गिरफ्त में लिया है। फिलहाल के इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन।